मार्केट से हम ऐसा कुशन कवर लेने जाएंगे तो वो काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली रहता है। तो आप मेरे वीडियो को फॉलो करके आप अपने आप ही ऐसा कुशन कवर बना सकते हैं। तो इसके लिए हम इसका मेजरमेंट कर लेंगे। तो ये जो मेरा कुशन है उसका लेंथ है 14½ और इसका विड्थ है, इसका विड्थ भी सेम ही है 14½। तो ये जो कुशन है वो स्क्वायर में है, तो इसका विड्थ और लेंथ दोनों सेम ही है। तो इस मेजरमेंट के हिसाब से हम एक डिजाइनर कुशन कवर रेडी करेंगे। मेरे पास ये बचा हुआ एक कपड़ा है कुर्ती का, वो मटेरियल काफी अच्छा है, तो सोचा कुछ अच्छा सा इसमें से कुछ डिजाइनर करते हैं। और इसमें से हम दो कुशन के कवर बनाएंगे। तो इसका मेजरमेंट था 14½ इंच। तो यहाँ पे हम मार्जिन के लिए 1/2 इंच का छोड़ देंगे और यहाँ से हम 14½ इंच पर एक निशान करेंगे। उसी तरीके से यहाँ पर भी हम मार्जिन का छोड़ देंगे। इसको हम सीधा कर लेंगे, यहाँ से ये सीधा नहीं है तो इसको हम सीधा कर लेंगे और 1/2 इंच का मार्जिन देंगे। और 14½ इंच पे हम यहाँ पर भी एक निशान लगा लेंगे। तो इसको मैं काट लूंगी। तो हम यहाँ से विथ मार्जिन से हम अपने इस मटेरियल को काट देंगे। तो इसमें से हम ये रॉन्ग पार्ट है तो उस पर हम क्रॉस लगा देंगे। जब हम स्टिचिंग या इसके ऊपर वर्क करेंगे तो हमें इजीली मालूम हो जाए कि कौन सा रॉन्ग साइड है कौन सा राइट साइड है। मैंने ये वीडियो स्टिचिंग के लिए नहीं बनाया है, मैंने ओनली वर्क का वीडियो बनाया है। तो अगर आप स्टिचिंग रिलेटेड वीडियो देखने में इंटरेस्टेड है तो मुझे कमेंट करके बताइए। अभी हम इसके ऊपर हैंडवर्क करेंगे, उसका वीडियो मैं आपको दिखाऊंगी। इसके ऊपर इस टाइप का वर्क करने के लिए हमें कुछ मार्किंग करने होंगे। इस तरीके से करेंगे हम 4-4 इंच की दूरी पर हम करेंगे। तो पहले हम ये मार्जिन का जो हमारा है उसको हम सीधा कर लेंगे। पहले हम इसका सेंटर निकाल लेंगे। तो सेंटर निकालने का भी मेरे पास एक आसान तरीका है। इसको हम इस तरीके से फोल्ड कर देंगे और इसको भी हम इस तरीके से फोल्ड कर देंगे। तो यहाँ पर थोड़ा आएंगे तो हमें अपना ये जो सेंटर है वो इजीली मिल जाएगा। तो ये अपना जो सेंटर आया है वहीं पे हम एक निशान कर लेंगे। और हमें इसके ऊपर वर्क के लिए डिजाइन करना है तो हम 4 इंच की दूरी पर करने वाले हैं। तो ये जो हमारा सेंटर का निशान है वहां से हम 4 इंच की दूरी पर अपना डिजाइन करेंगे। तो इस तरीके से 4 ले लेना है और यहाँ से भी हम 4 इंच का निशान कर लेंगे। तो यहाँ हम जो वर्क करने वाले हैं वो हमारा वर्क है वो आएगा। और यहाँ से भी हम 4 इंच की दूरी पर ही दूसरा करेंगे। इस तरीके से 4 इंच की दूरी पर हमें अपना जो वर्क है वो करना है। और अब हम इस पर वर्क करते हैं। इसमें जो हम डिजाइन करने वाले हैं उसके लिए हमें इन चीजों की जरूरत पड़ेगी जो आपको मार्केट से इजीली अवेलेबल हो जाएगा। ये जो हमारे पास है से वो बड़े वाले बीट्स है, छोटे वाले बीट्स मोती है, तो इसकी हमें जरूरत पड़ेगी। तो चलिए शुरू करते हैं वर्क करना। एक ही मोती हमें लेना है और ऐसे सेंटर में कर देना है और पास में से ही हमें सुई को निकालना है
और इसकी राउंड में हमें मोती ही लगाने हैं। इस तरीके से एक के बाद एक हम मोती लगाते चले जाएंगे। इस तरीके से मोती लगाने के बाद हमें ये जो हमारी बड़ी वाली बीट्स है उसको इस तरीके से आमने सामने लगानी है। यहाँ पर एक मोती लगाएंगे, वाले जो बीट्स है इस तरीके से हमारा ये जो डिजाइन जो हमें बनाया था उसका हैंड वर्क है वो इस तरीके से हम कंप्लीट कर देंगे। अगर आपको डायरेक्ट हैंडवर्क करने में अगर परेशानी आती है तो आप इस तरीके से ड्रॉ भी कर सकते हैं, जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ। आपको क्या करना है कि यहाँ पर एक सेंटर में एक पॉइंट बनाना है, उसके बाद हम इस तरीके से सिक्स डॉट जहाँ पर हम मोती लगाने वाले हैं वहाँ पर इस तरीके से सिक्स डॉट करेंगे, और ये जो दो बनाए हुए हैं उसके बीच में एक जो हम बड़ी बिट्स डालने वाले हैं उसके लिए ऐसे लाइन बनाएंगे इस तरीके से, इसके ऊपर इस तरीके से लाइन बना देंगे, और लाइन के इस पार और इस पार दोनों साइड है वो हम इस तरीके से मोती का लगाना है, मोती उसका हम इस तरीके से निशान कर लेंगे। तो हमें जब हम हैंडवर्क करेंगे तो हमें सोचना नहीं पड़ेगा कि इसमें कितने मोती लगाने हैं और कितने बिट्स डालने हैं। और फ्रेंड्स एक चीज़ और बात आपको ध्यान में रखनी है कि हम जो ये डिज़ाइन बना रहे हैं उसको आपको इस तरीके से पास पास में ही बनाना है, इस तरीके से आप मत करना, ये जो है वो दूर दूर होगा तो वो अच्छा नहीं दिखेगा। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि हम जो ये हैंडवर्क कर रहे हैं वो इस तरीके से पास पास में ही करना है तो ही वो अच्छा दिखेगा। मेरे वीडियो को फॉलो कीजिए और किस तरीके से हमें ये लगाना है वो आप देखें और खुद ट्राई कीजिए, और कैसा लगा मेरा वीडियो ये आप मुझे कमेंट करके बताइए। और अगर अभी तो मैं इसका स्टिचिंग का जो वीडियो है वो नहीं डालने वाली, अगर आप इंटरेस्टेड है स्टिचिंग के वीडियो देखने में भी तो मुझे आप कमेंट करके बताइए, तो मैं अपना ये कुछ भी है जो वो मैं स्टिचिंग करती हूँ तो उसका भी वीडियो मैं इसमें डाल दूँगी।